अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला हमें जिस हाल में भी रखे, ठीक है। चलें जी, इस्लामियत के बुक्स खोलें, आज के सबक की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ेंगे इबादत, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, ठीक है। पिछले सबक में मैंने आपको जैसे कि थोड़ा बहुत बताया था कि इस सबक में क्या है, इसमें अरकान इस्लाम के बारे में वजाहत से बताया गया है, ठीक है। जैसे कि कुछ मखसूस इबादात का ज़िक्र किया गया है इस सबक में, जैसे कि नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। ये इबादात अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ की हैं, लिहाजा इन्हीं इबादात को मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी ताकि आपको इसको समझने में कुछ मुश्किल ना हो, ठीक है। अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है, सब इंसो जिन इसी की मखलूक हैं और उन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। देखें, अल्लाह ताला ने हर बंदे से कोई ना कोई काम निकलवाना होता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तरह तरह की नेमतों से नवाजा है ताकि हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसके सामने सजदा रेज होकर उसकी शुक्र अदा करें और इन तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाएं। इंसान का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है, वो ये है कि वो पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारे, ना कि गलत कामों में गुजार के इस दुनिया से चला जाए। हर काम में हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें देख रहा है। जब आपके जहन में ये बात होगी ना कि हर काम कोई, अगर आप बुरा काम भी करने लगेंगे और आपके जहन में ये बात होगी कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो आप उस काम से रुक जाएंगे, ठीक है। हर काम में हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। इन बातों को जहन में रखें। अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है, सब इंसो जिन इसी की मखलूक हैं और उन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तर्जुमा, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसानों को इतनी नेमतों से नवाजा है और इतने एहसानात इंसानों पे हैं अल्लाह ताला के, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के सामने सर झुकाएं और उसके अहकामात को पूरी पूरी पाबंदी के साथ करें। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। इस्लाम के कुछ इबादात ऐसी हैं जिनको बजा लाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, मतलब जिनको पूरा करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इन इबादात को अरकान इस्लाम कहते हैं। ये इबादात अरकान इस्लाम दर्ज ज़ेल हैं, कलमा तैयब, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा, ठीक है। ये पांच अरकान इस्लाम हैं। सबसे पहले देखते हैं कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तैयब के पहले हिस्से में तौहीद का जिक्र है और दूसरे हिस्से में रिसालत का। पहले अल्लाह ताला का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह को एक मानना चाहिए, और दूसरे हिस्से में रिसालत का जिक्र किया गया है। कलमा तैयब का जिक्र सबसे अफजल जिक्र है और सबसे बड़ी इबादत है। इस जिक्र से एक मुसलमान अल्लाह ताला को कर्ब हासिल कर सकता है। दूसरे अरकान की तरफ आते हैं, नमाज। नमाज के मायने हैं दुआ और रहमत। ईमान के बाद सबसे महबूब और पसंदीदा अमल नमाज है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, रुकू और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और नेकी के काम करो ताकि तुम कामयाबी पाओ, ठीक है। अगर आप नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके पास जन्नत की चाबी आ जाती है, ठीक है। और आप जन्नत में तभी दाखिल हो सकते हैं जब आपके पास जन्नत की चाबी होगी। इसलिए अल्लाह ताला दुआ ये क्या करें कि अल्लाह ताला आपको पांच वक्त का नमाजी बनाए, क्योंकि देखिए क़यामत के दिन भी सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले कोई और सवाल नहीं होगा कि आपने कितनी जमातें पढ़ी हैं, ये क्या, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि आप नमाज पढ़ते थे या नहीं, ठीक है। नमाज में बंदा अपने मालिक के सामने आजजी से खड़ा हो जाता है। तीसरे अरकान की तरफ आते हैं, रोज़ा। रोज़ा एक अहम इस्लामी इबादत है। रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं। क्या कहते हैं अरबी में? सोम कहते हैं रोज़े को अरबी में, ठीक है।
तमाम मुसलमान इस्लामी महीने रमज़ान और मुबारक में रोज़े रखने का अहतमाम करते हैं और अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करते हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी या दिखलावा हरगिज़ नहीं है। रोज़ा हम किसी को दिखाने के लिए नहीं रखते, ठीक है, हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं। आजकल पता नहीं आप लोग रोज़े रख रहे होंगे कि नहीं। अल्लाह ताला का फरमान है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, ठीक है। रोज़ा अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बू जो आती है ना, वो बहुत पसंद होती है। मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बू है। रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिए जाते हैं। क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा होगा जो सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए होगा, उसमें से सिर्फ वो लोग गुजरेंगे जो रोज़े रखते होंगे। इसलिए कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। पता नहीं अगले साल हमें रमज़ान नसीब हो सके या नहीं, ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। उसके बाद चौथे अरकान पे आते हैं, वो है हज। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है और हर साहिब इस्तेदात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। साहिब इस्तेदात मुसलमान मतलब कि जो इतनी हैसियत रखता है, जिसकी कमाई के ज़राए इतने हैं, ज़रात इतने हैं कि वो मतलब हज कर सकता है, तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो हज करे। हज एक माली और बदनी इबादत है। हज अदा करने से मुसलमानों की रूहानी और अखलाकी तरबियत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने इसी तरह हज किया कि वह दौरान हज गुनाहों और गलत बातों से किनारा कश रहा, तो इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वह अल्लाह ताला का मकरूब बंदा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हकूकुल इबाद। ये भी बाकी इबादात की तरह ये भी एक इबादत है, जैसे कि हकूकुल इबाद की अदायगी करना भी एक इबादत है। हकूकुल इबाद में क्या आ जाता है? हकूकुल इबाद में वालिदैन, औलाद, रिश्तेदारों, हमसायों, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, मेहमानों, मुसाफिरों और मोहताजों के हकूक शामिल हैं। इन तमाम हकूक का अदा करना मुसलमान पर फ़र्ज है और इनकी अदायगी बहुत बड़ी इबादत है। जैसे कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला का इरशाद है, वबिल वालिदैन इहसाना, तर्जुमा, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। वालिदैन के साथ नेक सलूक करना बहुत बड़ी इबादत है। गर्ज हर वो काम जिनको करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जैसे कि सब्र, शुक्र, खंदा पेशानी से मिलना, सच बोलना, इमानत में खयानत न करना और अफू और दरगुजर करना, ये सब भी इबादत में शामिल हैं, ठीक है। जो भी काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किए जाते हैं वो सब इबादत में शामिल होते हैं। आगे आते हैं सदका और ज़कात। सदका और ज़कात भी एक अज़ीम इबादत है। ये वो माल है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को दिया है, इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करने को कहते हैं। ये साहिब माल के लिए पाकीज़गी का सबक बनती है और इससे माल की मोहब्बत नहीं रहती और आखिरत में भी बख्शिश का सबक बनेगी, ठीक है। ज़कात की अदायगी करने से क्या होता है? जब हम अपने माल की ज़कात अदा करते हैं तो उससे हमारा माल पाक हो जाता है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज, जहाँ नमाज का जिक्र किया है उसके साथ ज़कात का जिक्र ज़रूर किया है। जो लोग अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, इनको क़यामत के दिन सख्त अजाब होगा। तो अल्लाह ताला हमें इस अजाब से बचाए और इन तमाम अरकान को समझने की तौफीक दे। चलें जी, आगे खाली जगह पुर कर लें आप बुक पे और MCQs भी कर लें। आगे मश्की सवालात आगे सॉल्व हुए हैं, ये सब मश्की सवालात अब अपनी कॉपियों पे कर लें। इस्लाम में इबादत का क्या तसव्वुर है? इस्लाम में नमाज की क्या अहमियत है? रोज़े की अहमियत और फजीलत को बयान करें। हज के बारे में तफसील से बयान करें और इसकी अहमियत और इसकी क्या फ़ज़ाइल हैं। ये हाफ़ आंसर इस पेज पर और हाफ़ नेक्स्ट पेज पर। ये ऊपर जो है ये भी इसी का आंसर है, ठीक है, कंटिन्यू है उसी का आंसर। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को क्यों पैदा किया है? कुरान पाक में नमाज के मुतालिक अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? हकूकुल इबाद से क्या मुराद है? ये सब क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज़ पे कर लें और बुक का काम बुक पे कर लें, ठीक है। खुदा हाफ़िज़।